नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी के रिजल्ट घोषित करने के लिए एनटीए को अनुमति दे दी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2021 का परिणाम जारी करने की हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 20 अक्टूबर को दिए गए उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें उसने एनटीए को नीट के 2 छात्रों का री एग्जाम कराने के बाद ही रिजल्ट घोषित करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 लाख छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में हमें हितों का संतुलित करना होगा। सुनवाई के दौरान जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कहा कि हालांकि हम इस बात से सहमत हैं कि परिणामों की घोषणा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इन दोनों छात्रों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए। उन्हें अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। आपके निरीक्षक ने ही गलती स्वीकार की है, ऐसे में हम लाखों छात्रों को परिणाम की प्रतीक्षा में नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि हम आपको परिणाम घोषित करने की अनुमति देते हैं, इन दो छात्रों के मामलों में आप कोई और रास्ता निकालें। अदालत ने दोनों छात्रों के मुद्दे पर एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई दिवाली के बाद होगी। आपको बता दें कि 2 छात्रों के लिए फिर से परीक्षा के आयोजन के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। एनटीए ने सोमवार को कोर्ट से अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था। एनटीए की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली पीठ को मामले के बारे में अवगत करवाया था। याचिका में एनटीए ने कहा था कि नीट का परीक्षा परिणाम तैयार है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की वजह से इसे घोषित नहीं किया जा रहा। याचिका में केंद्र ने यह भी कहा कि यदि एग्जाम की मांग वाली याचिकाकर्ताओं के बयानों में विसंगतियां हैं और बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला भविष्य में उम्मीदवारों के लिए गलत मिसाल कायम करेगा और इस तरह की घटना से उम्मीदवार अनुचित लाभ उठाया करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश सोलापुर जिले के उन 2 छात्रों की याचिकाओं पर आया था, जिन्होंने शिकायत की थी कि निरीक्षक की असावधानी के चलते उन्हें एग्जाम के दौरान बेमेल टेक्स्ट बुकलेट और आंसर शीट दी गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें दी गई टेस्ट बुकलेट और आंसर बुकलेट मैच नहीं कर रही थी। जब उम्मीदवारों ने तुरंत निरीक्षकों को इस बात की जानकारी दी तो उनकी नहीं सुनी गई और चुप करा दिया गया। इसके बाद कोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं वैष्णवी भोपाले और अभिषेक कापसे के लिए फिर से परीक्षा आयोजित करने और 2 हफ्ते में उनके परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने एनटीए को याचिकाकर्ताओं को री एग्जामिनेशन की तारीख और एग्जामिनेशन सेंटर की जानकारी 48 घंटे पहले देने के लिए कहा गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।